सारी वीडियो को जो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रयास करें, हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखें। करवा चौथ पूरा हिंदी में समझिए क्या है करवा चौथ, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन जाटव जी, और आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में करवा चौथ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप सभी लोग समझ लेंगे और समझा देंगे। तो करवा चौथ का अर्थ है कि जो महिला हैं, जो अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ मनाते हैं, जो महिलाएं हैं वो अपने पति के लिए करवा चौथ मनाती हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो जाए। लेकिन मेरी ये समझदारी है कि जितनी हर व्यक्ति की उम्र निश्चित है उतनी ही रहेगी। यह व्रत करने से लंबी उम्र होती तो आप लोग हर साल व्रत रखते हैं तो फिर 1000 साल नहीं बढ़ जाती, इसलिए। और करवा चौथ का हिंदी में क्या मतलब है कि अपने पति के लिए व्रत रखना, उनसे तेज आवाज में बात मत करना, ये पत्नी का धर्म है। जिंदगी में पति के साथ साथ पति के माता पिता यानी सास ससुर को भी अच्छे से बात करना, ऊंचे स्वर में बात नहीं करना, उनका मान सम्मान करना। मैं देखता हूँ मैं अपने भारत में, देश में, मोहल्ले में, एरिया में, कि अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर का भी वो लोग अपमान करते हैं। मैं मोहल्ले में रहता हूँ, छोटे से गांव से हूँ, तो मैं सभी देखता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग क्यों व्रत रखते हैं? जब उस व्रत का मतलब ही नहीं जानते तो उस व्रत को करने से क्या फ़ायदा? तो इसलिए आप लोग व्रत करते हैं तो आप अपने पति से ज़िंदगी में कभी भी ऊंच स्वर में बात नहीं करना और अच्छे से बात करना, और पति के माता और पिता से भी ऊंचे स्वर में बात नहीं करना, जो वो लोग कहते हैं वो बात आप मानना, ये पत्नी का धर्म होता है। ज़िंदगी कट जाए, ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन गलत शब्द पति से नहीं बोलना और पति के माता पिता से नहीं बोलना, यानी कि सास ससुर से नहीं बोलना। यह शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ मैं करवा चौथ का अर्थ। ये नहीं कि एक दिन आप अपने पति से अच्छे से बोल लिया, करवा चौथ मना लिया, और उसके बाद में जैसे ही करवा चौथ निकला और वैसी पुरानी फिल्म चालू। तो आई होप ये समझता हूँ कि आपको यह वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनमोहन जाटव जी, और मैं आशा करता हूँ कि आप और आपके माता पिता एकदम ठीक होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो भाई साहब थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।